डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय केरन में फ्यूचर द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से एक एडमिशन रिजेक्ट हो गया, बच्चा अरेस्ट हो गया, बच्चे का नाम, बच्चे के पेरेंट्स का नाम, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार फ़ोन आते हैं। मैं ये चीज़ बहुत बार अपने वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ कि ए काउंसलर, बी काउंसलर या बी कंसल्टेंट हमें बोल रहा है कि हम आपके NRI के फेक डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं, NRI के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जिसके बेसिस पर आपका कम स्कोर होने के बावजूद आपको NRI कोटा में एडमिशन मिल जाएगा, सीट मिल जाएगी। देखिए, जिस तरह ये डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं, आगे चल के आपके भी जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं वो पकड़े जा सकते हैं, और ऐसे में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और परिणाम होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। परिणाम आप देख रहे हैं कि अखबार में बच्चे का नाम, फादर का नाम, उनकी जहाँ से बिलोंग करते हैं वो, तो सब कुछ आ गया। पूरा बच्चे का जो करियर है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। बच्चा जो है इसमें अरेस्टेड है। सो ये जो न्यूज़ है आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं। मैं इसको अपने वीडियो के थ्रू ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगा, लेकिन मोटी मोटी बात ये, बच्चे ने फेक नीट के डॉक्यूमेंट्स लगाए थे और उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से उसको एम्स में एडमिशन मिला था, और जो फाइनली रिजेक्ट हो गया, बच्चा अब अरेस्टेड है। सो मैं बार बार आपको, सब पेरेंट्स को और बच्चों को, दोनों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस तरह के काम में ना जाएं, जिसके परिणाम, जिसके रिजल्ट आगे चल के बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसे में सोसाइटी को, समाज में बच्चा खड़े होने लायक नहीं बचता है, करियर ख़त्म हो जाता है, और समझ लीजिए सारी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाती है। सो मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ कि मुझे ये आपसे शेयर करनी चाहिए, ताकि जो मैं बार बार चीज़ें फ़ोन पर आप लोगों को कहता हूँ, अखबार की इन हाइलाइट्स के थ्रू भी आपको दिखा सकूं कि ये चीज़ें जनरली पकड़ में आती हैं, राइट। सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ताकि आप अवेयर भी रहें और इस तरह के कामों में इंडल्ज ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।